आप मुझसे डिस्कस कर। अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी नुसरत, आप बताएं आपका कैसा जा रहा है? आपने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था आपने क्या काम किया, क्या इम्प्रूवमेंट आई, कहाँ पे हर्डल आ रहे हैं आपको? एक्चुअली ना लास्ट वीक में मैं कर इसलिए नहीं सकी, थोड़ा मेरा हेल्थ इशू आ गया था। कुछ तो मेरे वो टेस्ट वगैरह हो रहे थे, मुझे थोड़ा सा आर्थर का इशू हुआ, तो वो फिर मैं टेस्टिंग के चक्कर में मैं इनके साथ प्रॉपर काम नहीं कर सकी। एक्चुअली मैं अकेली ही हूँ सिर्फ करने वाली, और मेरे साथ और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरे बढ़िया। हस्बैंड ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनकी अपनी एक्टिविटीज है। मेरे साथ उनकी इसमें इनके ट्रेनिंग में शेयरिंग इसलिए नहीं है कि मैं आई एम ट्रेंड। मैंने थोड़ी सी आपको बताया था स्पेशल एजुकेशन पढ़ा भी, जी और फिर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस भी हुआ वर्कशॉप से और इधर उधर मीटिंग्स में, और ये जूम पे स्पेशली जितनी मीटिंग अटेंड की है उनसे भी हम अवेल किया। तो मैं ही अकेली इनके साथ काम करती हूँ, तो समटाइम्स जब मुझे कोई हेल्थ इशू आता है तब भी इंटरप्ट हो जाता है, या इनको आता है तो तब भी इंटरप्शन हो जाती है। आपका हेल्दी होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नुसरत। वो ही मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि आप ठीक रहें, लेकिन जिक्र ये होता है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल प्रॉब्लम है इनके, वो जो स्टॉप इट जानो, स्टॉप इट, इनको एक्चुअली डाउन सिंड्रोम भी है, ऑटिज्म भी है, स्पीच भी प्रॉब्लम है, मोबिलिटी भी नहीं है, चलते चलते इन्होंने स्टॉप कर दिया, व्हील चेयर पे है, तो काफी सारे इश्यूज इकट्ठे हैं। तो इसलिए मेरे लिए काम करना एक खास एटमॉस्फेयर में इनके साथ पॉसिबल है, अदरवाइज मैं ऐसे आम काम नुसरत, आपके लिए एक टिप ये है कि आप ये मत सोचिए कि इनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, यहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये खास एनवायरनमेंट में ही हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप इनका एक प्रॉपर आईपी डिवेलप करें, ठीक है? आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं। आप पहले देखें कि अच्छा, आप एक कॉपी पेन से लें उसका, अच्छा कौन कौन सी स्किल्स हैं या चीजें जो इनको आती, ठीक है, जो आप वो एक पेज पे नोट डाउन कर, ठीक है? उसके बाद फिर आप देखेंगे अच्छा ये इनकी एज है और कौन सी ऐसे स्किल्स है जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। अच्छा, 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, 80% नहीं। अच्छा, अगर ये 40 to 50% बीच में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, एक इम्प्रूवमेंट आ रही है और इनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प आउट हो जाएगा, ठीक है? समझ, जैसे आपने कहा आप बीमार हैं, कुछ भी है, तो ये खुद से कुछ ना कुछ तो अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। तो आप फिर जो चीजें आती हैं उनको आप डेली रूटीन में वर्क करें उनपे, और उसके साथ आप उनके बाकी चीजों को, डिफरेंट डोमेन्स को देखते हैं। अच्छा, इनकी जैसे कि आप कुछ भी कह ले, अच्छा इनकी राइटिंग पे भी साथ साथ काम करना है, इनकी एकेडेमिक स्किल्स पे काम करना है, इनकी पे काम करना है। अच्छा, इनकी उसके साथ साथ इनकी जो इनकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं उन पे काम करना है, सोशलाइजेशन पे करना है, लेट्स सपोज। तो आप डिफरेंट डोमेन्स नोट डाउन करके उसके अंडर आप डिफरेंट डिफरेंट अपने टारगेट सेट, और फिर उन टारगेट्स को लेके आप रोज चलिए। जब आपके पास एक फुल फ्लेज प्लान होगा, ओके मैं इसमें आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है? आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप प्लान बनाने में हेल्प करूंगी। उसके बाद योगा के जब ठीक आपका प्लान बन जाएगा ना, आप उसको रन करेंगे। यहाँ पे राइट। आपको कुछ ट्रेनिंग चाहिए होगी, क्योंकि उसमें ये होता है कि इसको हम प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। कुछ ऐसा कुछ लाइक गोल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर आप कह लेंगे ट्रेनिंग के थ्रू लेके जाते हैं। एकदम आप उसके सिखाएंगे, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं आएगा, इतने आ जाएंगे, देन हमने फर्दर जैसे 5 थिंग्स आ गई हैं उसको डिटेल, देन हमने 10 पे मूव ऑन करना है, फिर हमने 15 पे करना है, तो वो काफी उसके लिए हेल्प हो जाएगा। तो आप क्या करें कि आप सबसे पहले एक प्लान बनाएं, उसके बाद आप उसको रन करें और उसमें देखें कि कौन सी चीजें, अच्छा हो सकता है कि कुछ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली उनको, मतलब क्या कहें कि आप पॉजिटिवली बहुत अच्छा क्विकली रिस्पॉन्स आ रहा है, और हो सकता है कुछ में जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो आ रहा है, तो फिर हमें पता चल जाएगा अच्छा इस डोमेन में जो उनका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा स्लो है, तो हमें इस पे ज्यादा वर्क कर, जिस डोमेन में उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उसमें हम फर्दर और एड
करते जाएंगे गोल्स, इस तरह हमें हमारी हर डोमेन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट। ठीक है, ठीक है ठीक है। एक्चुअली ये ना मैंने आपको बताया था डॉन सिस्टम है, तो इनको ना म्यूजिक काफी इंस्पायर करता है, तो जैसे अभी भी ये म्यूजिक ऑर्गन प्ले कर रहे हैं तो ये खुद तो से ही बहुत उसको अच्छी ऑन। बात है। आपको तो म्यूजिक यूज करके आप इनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, इनकी लर्निंग मुझे लगता है म्यूजिक के थ्रू आप कर सकते हैं। आप म्यूजिक इनको 24 आवर्स प्रोवाइड ना करें, आप एक पेयरिंग कर दें, पेयर अप कर दो। आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। स्टार्टिंग में आप थोड़े से प्रॉम्प्ट लेवल यूज करें, वर्बल प्रॉम्प्ट कर लें, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट कर लें, विजुअल प्रॉम्प्ट कर लें, व्हाटएवर। ठीक है, आप प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉम्प्ट्स को फेड आउट करें, आप म्यूजिक की पेयरिंग कर लें। 24 आवर्स जब उनको म्यूजिक अवेलेबल है तो उनको क्या जरूरत है कि वो कुछ सीखे। आप म्यूजिक को अपनी असेस में रखें, आपके कमांड फॉलो करें, आपकी वो बात मान रहे हैं, ठीक है हम आपको म्यूजिक दें। तो आप रिलेट कर दें चीजों के साथ, ताकि उनको पता हो मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक है ग्रेजुअली हम अपनी जो जो हमारे गोल्स हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उनको इंक्रीज कर देंगे, और जो म्यूजिक टाइम है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा और हमारे इंस्ट्रक्शन होंगी वो लिमिटेड होंगे, 1 इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन, बट म्यूजिक टाइम हमारा ज्यादा। तो आप म्यूजिक को तो बच्ची बात, इनका एक स्ट्रॉन्ग रिइंफोर्सर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उसको यूज करते हुए इनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स पे काम कर सकते हैं। और आप देखिएगा आपको within 1 month रिजल्ट नजर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक्चुअली इनकी ना रीअसेस असेसमेंट होने वाली है, जो मैं चाहती थी कि इनकी एक दफ़ा रीअसेसमेंट हो जाए। जैसे आप मुझे कह रही हैं आप मुझे प्लान देंगी, तो मैं चाहती थी कि मैं विचुअली इनको मैं पर्सनली लेके जाऊं। मेरे करीब ही हैं साइकोलॉजिस्ट हैं वापडा टाउन में, इधर वैलेंशिया टाउन, तो वापडा टाउन में ज़ारा, शायद आप जानती होंगी ज़ारा कुलसुम, वो स्कूल में इनकी टीचर भी थी, ऑटिज़म पे भी इनके साथ काम किया हुआ है। फिर लकली या लकली उन्होंने छोड़ दिया स्कूल और वो अपना प्राइवेटली कर रही हैं, तो उनसे भी मेरी बात इनसे इनके लिए हुई थी कि इनकी मैं असेसमेंट के लिए आऊँगी। तो वो कुछ थोड़ा सा ये हुआ कि पिछले मंथ वो थोड़ी सिक थी तो हॉस्पिटलाइज रही, तो फिर मेरा थोड़ा पेंडिंग हो गया, अदरवाइज मैं इनकी रीअसेसमेंट करा चुकी होती। तो मैं चाहती थी कि रीअसेसमेंट और फिर मैं स्टार्ट करूँ कि मैंने अब इनको कहाँ से किस जिस भी डेफिनेटली एक्टिविटी से कैसे असेसमेंट करना है। बहुत जरूरी है। आप असेसमेंट करवाएं, इसकी रीअसेसमेंट करवाएं, उसके बाद आप वो शेयर कीजिएगा, हमें पता चल जाएगा अच्छा आप यहाँ पे इस लेवल पे ये फॉल करें, देन फर्दर हम उससे नेक्स्ट स्टेप से हम ऊपर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इतनी अच्छी गाइडेंस करती हैं पेरेंट्स को, और आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट है कि हम पेरेंट्स भी री आप एनफोर्स। डेफिनेटली लोग रिइंफोर्स होते हैं, हमने कुछ करना है। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई बस आप मसला दुआओं नहीं। में भी इंशाल्लाह ओके okay. इंशाल्लाह। हिना कैसी हैं आप? फाइनली हिना ने हमें ज्वाइन आज कर लिया है। जी हिना अनम्यूट हो सकती हैं ताकि आप बात कर सकें। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक था मीटिंग का। सबसे जो स्टार्ट था, बहुत ज्यादा पेरेंट्स ने हम कहा था कि जी आई कांटेक्ट कैसे बिल्ड किया जाए बच्चों के अंदर। नेम रिस्पांस नहीं है, हम बहुत दफा बच्चों का नाम लेते हैं, कोई भी नाम, जैसे इधर मदर्स में किसी का भी नाम जैसे ही ना आए तो बार बार ही ना, बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर करते भी हैं तो हम काफी दफा नाम बुलाएं तो उसके बाद बच्चा हमें रिस्पॉन्स बैक करता है, उसके बाद कमांड फॉलोइंग नहीं है, इंस्ट्रक्शंस जो बच्चा है वो हमारे फॉलो नहीं करता। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि आपने जब बच्चे का नेम रिस्पॉन्स, जब आपने बच्चे के नेम रिस्पॉन्स पे काम करना है, तो आपने कभी भी बच्चे के नाम को किसी और इंस्ट्रक्शन के साथ पेयर अप नहीं करना। जब आप करेंगे किसी और इंस्ट्रक्शन के साथ, तो आप ये याद रखें कि बच्चा फिर उसको ये आइडिया नहीं होगा कि ये मेरा नाम है, इस पे मैंने देखना है, और ये इंस्ट्रक्शन है, इस ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस पे मैंने फॉलो करना है। तो दोनों चीजें जब मिक्सअप हो जाएंगी ना, तो बच्चा फेडअप हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि बच्चा रो रहा है। आप कहेंगे हम उसको सिर्फ बुलाते हैं, जैसे जैन है तो हम कहेंगे जैन लुक एट मी, तो वो उस पे रो रहा है। हालांकि जैन लुक एट मी में आप अगर लुक एट मी ना कहें, आप खाली जैन कहें, तो वो वही इंस्ट्रक्शन है कि जैन आपको देख रहा है। तो द फर्स्ट थिंग इज डैट कि जब आपने नाम बुलाना है, तो इसके साथ आपने कोई और इंस्ट्रक्शन बच्चे को कभी भी नहीं देनी, कोई काम नहीं करना, बस आपने बच्चे को चेयर अप करना।
ठीक हो गया। अब अगर मैं नुसरत से बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी नुसरत क्लैप हैंड्स, लेट सपोज नुसरत ये पेन मुझे दे दो, नुसरत मुझे देखो, नुसरत 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 मुझे देखो। तो नुसरत पहले से ही डरी हुई है कि अगर मैंने देखा या मैंने बात सुनी तो मुझे नेक्स्ट कुछ और इन्होंने कहना और मुझे करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहती। तो हमने बच्चों के माइंड से ये जो एक फेयर है वो निकाल देना है कि आपने जब भी बच्चे का नेम रिस्पांस और आई कांटेक्ट, मतलब एक साइड बाय साइड ही दोनों चीजें चलती हैं, तो जब भी आपने नेम रिस्पांस पे काम करना है तो वो आई कांटेक्ट भी उसको ऑटोमेटिकली ही बिल्डअप होगा। तो जब आपने इन पे काम करना है तो आप ये चीज याद रखें कि आपने बच्चे का जब नाम बुलाना उसके बाद आपने उसको कुछ भी नहीं, लेट सपोज बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जीरो लेवल है, आपने बच्चे को आवाज दी, लेट सपोज जैसे अरहम है या अहमद है और मैं कह रही हूँ अरहम और स्टार्ट करे बच्चे के स्ट्रॉन्गेस्ट रिइंफोर्सर से। हो सकता है कुछ बच्चों को आईपैड बहुत पसंद है, मूवीज एंड कार्टून के बच्चे बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, उनको इतने पसंद है, ठीक है, आप फोन यूज कर लें। कुछ बच्चों को कार्स बहुत ज्यादा पसंद होती है, कुछ बच्चों को खाने में कुछ बहुत चीनी जेली बिस्किट चॉकलेट या कुछ टॉय पजल्स, कुछ बच्चों को पजल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बच्चे को जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है वो आप अपने हाथ में पकड़े और वो आपके सेंटर में बिटवीन योर आईज ऐसे सेंटर में हो। लेट सपोज मैं आवाज दे रही हूँ अरहम, मैंने अरहम से बात करनी और अरहम का आई कॉन्टेक्ट और अरहम को ये चीज चाहिए, पेन चाहिए या अरहम को फोन में कार्टून चाहिए, ठीक है, तो आपका ऐसे होगा अरहम ऐसे देखा उसने, गुड जॉब। जब आप अरहम को आवाज देके एकदम आपका फोन ऐसे नीचे जाएगा तो वो जरूर आपकी आंखों में दिखेगा, गुड लुकिंग, और आप कार्टून प्ले कर। उसके बाद आपने एकदम से बंद नहीं करने के देखते देखते ओके इट्स माय टर्न, नो, आपने जैसे ही बच्चे को आवाज दी, ठीक है, जैसे लेट सपोज अरहम, तो अब अरहम नहीं देख रहा आपकी तरफ, तो ऐसे करके अरहम गुड लुकिंग और फॉरन से कार्टून प्ले। जिनको कार्टून पसंद है कार्टून प्ले कर दिए, जिनको कोई कार पसंद है जैसे कार इधर है तो अरहम कह के तो वो यूं करके गुड लुकिंग और उनको आपने कार दे दी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कार्टून आपका बच्चे को बहुत पसंद है तो आपने एकदम से बंद नहीं करने, और ये सिर्फ कार्टून के लिए नहीं, कोई भी चीज अगर आपके बच्चे को पसंद है, कार म्यूजिकल टॉय पजल व्हाटएवर, तो आपने उनके माइंड में एक चीज एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि ठीक है ये चीज आपको मिली है और अगर ये चीज मैं आपसे वापस ले रही हूँ तो ये आपको मैं वापस भी दू, ठीक है ना, गिव एंड टेक, हमने उनके साथ गिव एंड टेक की ये चीज रखनी है। तो आपने कैसे वो चीज उसे लेनी है, और हमेशा एक बात याद रखनी कि अगर बच्चा बच्चे से आपने कोई चीज लेनी है तो आपने वो जो 5 4 3 2 1 है वो जरा स्लो रखना है, जैसे 5 4 3 2 1 0 स्लो। अब अगर बच्चा किसी बिहेवियर में है साथ, जैसे बहुत ज्यादा रो रहा है और हमने उसको सिखाना कि अगर आप रो रहे हो तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी और अगर आप चुप हो तो आपको चीज मिलेगी, तो फिर आपने उसमें अपने ये जो काउंट डाउन है उसको जरा फास्ट करना है, जैसे क्वाइट टाइम 1 2 3 4 और अगर बच्चा क्वाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, फिर आप स्टार्ट से दोबारा से अपने स्टार्ट कर देंगे क्वाइट वॉइस 1 2 3, अगर फिर से उसकी आवाज हो सकता है समहाउ बच्चा और ज्यादा रोना शुरू कर, तो फिर आप दोबारा से अपने काउंटडाउन उधर से स्टॉप करके अगेन स्टार्ट करेंगे क्वाइट वॉइस 1 2, और बच्चा अगर 1 सेकंड के लिए भी चुप हुआ 4 5 गुड जॉब एंड दिस इज फॉर यू, तो आपको दिस इज फॉर यू कहने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर यू मैंने इसलिए बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे कहते हो कि दिस इज फॉर यू, चुप हुआ आप फौरन से वो चीज उसको, आप आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करेंगे कि वो जो हम कहते हैं ना क्वाइट टाइम 1 2 3 4 5, अगर हम फिर से स्टार्ट काउंटिंग करते हैं तो बच्चे में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब मैं और रो रहा हूँ तो वो 1 2 3 उसका बंद ही नहीं हो रहा, तो वो खुद ही से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो बच्चे का क्राइंग बिहेवियर हिटिंग बिहेवियर शाउटिंग बिहेवियर व्हाटएवर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब कोई चीज आपने उससे लेनी है तो 5 4 3 2 1 0, और अगर कोई बिहेवियर है और उसके लिए तब आपका जो है वो काउंटडाउन का जो है वो बहुत जल्दी क्वाइट वॉइस 1, लेकिन क्वाइट वॉइस आपने बोलना है ताकि उसको पता चले कैसे ये चुप के लिए क्वाइट वॉइस 1 2 3 4 बहुत
आपने उसमें जरा जल्दी, ताकि बच्चे को चुप होने का आइडिया हो जाए। नेम रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहली बात तो यही है जो मैंने आपको बताई है कि आपने बच्चे के नाम के साथ और कुछ चीज नहीं। और जब जब बच्चा आपको देख रहा है, लेट सपोज स्टार्ट में वो आपको नहीं देख रहा, बच्चा रिस्पॉन्स में यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, इसको नहीं पता, उधर नहीं पता, मुंह ऊपर है, मुंह नीचे है, तो आप उसका मुंह यहाँ से खुद से पकड़ के तो आप उसको अपनी तरफ आई कॉन्टेक्ट दे, गुड जॉब। अच्छा, एक बहुत ज्यादा बेसिक चीज जो हमारे उसमें चलती है कि हम लोग क्या करते हैं, गुड जॉब, वेल डन, गिव मी हाई फाइव। और उसके बाद मैंने ये अपने एक दो वीडियोज भी बनाए, उसके बाद मैंने कहा था ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, गुड जॉब भी उसके लिए रीइंफोर्समेंट है, हाई फाइव भी उसके लिए रीइंफोर्समेंट है। तो आप अब यहाँ गुड जॉब यूज करें, क्योंकि देखें अगर मुझे ये चीज चाहिए, आई कॉन्टेक्ट दिया, वाओ गुड जॉब, वेल डन, गिव मी हाई फाइव, और आप उसको दे रहे, तो आप सोचें कि हमारे हम लोग तो कह रहे सिर्फ 1 सेकेंड का है, लेकिन 1 सेकेंड में गुड जॉब, वाओ, गिव मी हाई फाइव, तो ये 3 टाइप्स की रीइंफोर्समेंट। अगर आपने गुड जॉब यूज करना है तो आप हाई फाइव करने दो, उसको डिफरेंशिएट होना चाहिए हर चीज के अंदर। गुड जॉब, ठीक है, ये सोशल रिइंफोर्समेंट आपने उसको दे दी, बच्चा इसी से एंजॉय कर, इसी को प्रेजेंस समझे। और अगर आपने गुड जॉब यूज नहीं किया, देन सिंपल हाई फाइव और वो चीज। तो मल्टीपल रिइंफोर्समेंट जो आपकी कमांड्स हैं उसको हम हमेशा, मैं कहती हूँ कि कम कर। और जब भी नेम रिस्पॉन्स बुलाना, बहुत ज्यादा घर में बच्चे का नाम ना बुलाएं आप, हर बात पे स्टार्ट में जब बार बार बच्चे का नाम बुलाते हैं तो जो बच्चे का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप ट्राई करें कि आप जो बच्चे का जो नेम रिस्पॉन्स है वो कम, मतलब हर बात के स्टार्ट में मत कहें, जैसे किसका नाम है लो, अहमद ये काम कर दो, अहमद खाना खा लो, अहमद आओ बैठो, अहमद पजल करते हैं, इतना अहमद, इतना अहमद कि अहमद चिढ़ना शुरू हो जाएगा कि जरूर आप नेक्स्ट कोई काम, अगर कोई काम करना है, खाना टाइम का टाइम है, तो आप सिंपल कहे कम इट्स लंच टाइम, दैट्स इट, कम इट्स वॉशरूम टाइम, लेट सपोज अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग चल रही है, या इट्स वर्क टाइम, कम सिट ऑन द चेयर। तो आप हर चीज को, हर कमांड को डिफरेंट रख, ताकि बच्चे को पता चले कि अच्छा मैंने, अगर आपने मुझे बुलाया जाएगा तो मुझे मेरी फेवरेट चीज मिल। हर फेवरेट चीज बच्चे की असेस में मत, उसको पता हो कि अच्छा ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, तो मुझे कब मिलेगी, जब मैं देखूंगा, ठीक हो गया। जैसे आज आप लोग सेशन में आए हैं तो आप लोगों को पता है, अच्छा हम जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हम अपने कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ पेरेंट्स ने नोट डाउन करके रखे होंगे। तो आप अपना नेम रिस्पॉन्स, ओके फाइव, 1 घंटे में 4 दफा बच्चे का नाम बुला लें, 5 दफा बुला लें, डैट्स, हर 2 मिनट के बाद जब हर चीज के साथ आप नाम बुलाते हैं तो वो डिले में आ जाता है, और आपका जो नेम रिस्पॉन्स है या बच्चा जब आपको आई कॉन्टेक्ट है वो बहुत कम। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन, किसी भी पेरेंट्स का जो जिनका हो कि अच्छा हम इस तरह काम कर रहे हैं लेकिन वर्किंग नहीं हो रही है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा बच्चों की तरफ से। हेलो जी, ये मदर्स के माइक अनम्यूट है, मुझे नहीं पता कौन बात कर रही है। हेलो जी, जी ताहिरा बताएं। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप कह रही हैं कि नाम के साथ इंस्ट्रक्शन नहीं देनी जी। तो अब जैसे मेरे तीन बच्चे हैं, मैं तीनों बैठे हुए, मैंने अहमद को कुछ कहना है कि अहमद आप मेरे पास आओ या ये खाओ, तो वो मुझे अकेली इंस्ट्रक्शन के साथ वो चल जाएगा काम? मतलब कभी कभी मुझे अहमद साथ कहना पड़ता है कि तीनों के अंदर से स्पेसिफाई करना, वो अकेला मेरे साथ नहीं होता हर वक्त, जैसे कोई भी काम करना हो अहमद आप इधर आओ, तो वो ग्रुप में आप बुला सकती हैं ना, ग्रुप में आप नाम बुला सकती हैं। देखिए ना, वो सिचुएशन मैटर करती है, अगर 1-to-1 है, बच्चा अकेला है या आप उसके साथ कर रही हैं, तब आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन कमांड दे, लेकिन जब एक ग्रुप में हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एक सोशलाइजेशन का काम है, तो सिर्फ आप अहमद से स्टार्ट ना करें, पहले आपके जो बाकी बच्चे जैसे अली है या आमना है, तो आप पहले आमना को भी काम कह दें कि आमना बात सुनो,
और उसके बाद आप आमना को बहुत ज्यादा आप उसको अप्रिशिएट करें, वाह आमना ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। लेकिन अहमद को आप उस काम के लिए पहले बुलाएं जो कि ऑलरेडी अहमद को आता है, ठीक है? जब आप ओके उस काम के लिए पहले बुलाएं जो कि आता है, ताकि अहमद हैप्पी हैप्पी आए। लेकिन एक बात जो है कि आपने अपने इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं करना बहुत ज्यादा। तो अगर आपने कहा लेट सपोज ओके अहमद ये पेन है और ये अहमद के सामने ऐसे पड़ा हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे, ठीक है? और आप कहती हैं कि अहमद पेन मुझे दे, ठीक है? तो आप पहले अहमद की अटेंशन लें, क्योंकि वो ग्रुप में है, हो सकता है उसका ध्यान अपनी सिस्टर की तरफ हो जो वो कर रही है, अपने भाई की तरफ हो जो वो कर रही है, और वो आपकी बात नहीं सुन रहा। और आपने उसकी अटेंशन नहीं ली और आपने उसको सिंपल कह दिया अहमद पेन दो, और अहमद ने आपकी बात को फोकस नहीं किया। हो सकता है कि आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन उसको देती हैं, तो उसको पता होगा कि अच्छा 3-4 दफा मामा ने बोलना, उसके बाद मैं पेन दे दूंगा। हो सकता है आप जो चीज उसको मांग रही हैं उसकी उसको नहीं पता कि ये एक पेन है, उसको तो आइडिया ओके ही नहीं है पेन का, लेकिन आप बार बार मांग रही हैं, बार बार मांग रही हैं। तो आपने स्टार्ट किस चीज से करना है ग्रुपिंग में, जिस चीज का उसको 100% पता है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जिस चीज का नहीं पता। उसको पेन का पता है, हम पेन से स्टार्ट करेंगे और साथ वो चीज रखेंगे जो उसको नहीं पता, ठीक है? तो आपने जैसे ग्रुप में बैठे, तो ओके पहले आप खाली अहमद नाम लें, जैसे अहमद, और अहमद ने अगर आपकी तरफ नहीं देखा तो आप मुंह पकड़ के करें शाबाश, अच्छा पेन दे दो, ठीक है? उसको पता चल गया अहमद तो मतलब मैंने देखना है, पेन दे दो। अटेंशन आपने ले ली उसकी, अहमद उसने देखा, पेन दे दो। अब ये पेन पड़ा है, हो सकता है कि चलो उसको पता भी है लेकिन उसने आपकी बात को उस तरह नहीं पिक किया, तो आप उसका हाथ पकड़ के पेन लेके अपने हाथ पर रखे तो शाबाश अहमद, चलो अब आप खेल, दैट्स इट। उसके बाद आपने बार बार नहीं कहना, हो सकता है वो आपको फर्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन पे कमांड पे पकड़ा भी दे, और समहा होता है पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, अरे वाह इसने दे दिया, फिर एक और इंस्ट्रक्शन, फिर एक और इंस्ट्रक्शन, बच्चा उसके बाद वो काम करता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा कर दिया है तो मुझे और इंस्ट्रक्शन चाहिए। एक दफा हो गया, आप ब्रेक ले लो, उसके बाद आप खेलें उनके साथ, पेयरिंग करें। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, नेट मतलब कि नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट टीचिंग, नेट जो होती है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक आप कह लें कि 2 साल से लेकर 4 साल 5 साल तक के बच्चों के लिए। क्यों? ताकि हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जो नेट है हम लोगों का वो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट, एक बच्चा खेल रहा है और उसकी लर्निंग भी हो रही है और उसको पता नहीं चल। बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, नेम रिस्पॉन्स है, आप उसको 2 से 3 दफा बुला ले। जैसे हम कहते हैं बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते अब जो बच्चा है वो लेट गया, ठीक है? अब आपने उसको कहना है कि उठ जाओ, तो हम उसको क्या कहते हैं उसके बाजू से पकड़ लेंगे, उठो उठो उठो, बैठना नहीं है बैठना नहीं है बैठना नहीं है, उठो उठो शाबाश शाबाश, उठो उठो बैठना नहीं है बैठना नहीं, हम ऐसे कहते हैं ना। तो आप ऐसे ना करें, आप उसके पास जाए, आप उसको शोल्डर पे ऐसे हैंड रख के सिंपल के स्टैंड अप, ठीक है? देन स्टैंड अप, ताकि आप सिर्फ उसके शोल्डर को उसको आप पुश करें स्टैंड अप, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको स्टैंड अप का भी आइडिया हो कि स्टैंड अप मतलब उठना। और अगर मुझे, मैं नहीं उठ रहा, तो आप अगर सिंपल के स्टैंड अप हाथ से उसको पुश ऑन करें तो मैंने उठना है, स्टार्टिंग में वो रहेगा आपके स्टैंड अप से नहीं उठेगा, उसके बाद आपने उसको हल्का सा पीछे से सपोर्ट देना है, बच्चा उठ जाए। मैं आपको एग्जाम्पल उस तरीके से दे रही हूँ, अगर वो ग्रुपिंग में भी है तो स्टैंड अप आप उस बात के साथ अपना एक साइन रख दें कि आपका ये साइन है स्टैंड अप, और साथ आप वर्बली उसको इंस्ट्रक्शन, उसके बाद देखेंगे कि आपने एक दफा अगर उसके साथ इस तरह किया, दूसरी दफा किया तो उसको आइडिया हो जाएगा, आप सिर्फ स्टैंड अप कहेंगे बच्चा उठ जाएगा। और अगर आपने स्टैंड अप के साथ सिर्फ उसको शोल्डर को हल्का सा टच किया या पॉइंट किया या इस तरह, तो वो फौरन से स्टैंड अप, आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ फिर फेड आउट हो जाएगा और वर्बल इंस्ट्रक्शन उसको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज आती है उससे स्टार्ट करें, अहमद उसने देखा पेन दे दो, ठीक है? और अगर वो आपके साथ अकेला है तो सिर्फ अहमद नेम रिस्पॉन्स अगर आपने उसका बिल्ड करना है तो अहमद उसने देखा वेल डन, हाई फाइव कहने की जरूरत नहीं, अगर आपने वेल डन नहीं बोला फिर आप हाई फाइव ले लें, ठीक है? और उसके बाद अगर उसको कार्टून पसंद है तो प्ले कर, उसके बाद 5 4 3 2 1 ओके नाउ इट्स माय टर्न, एंड ट्राई करें, क्योंकि ये बच्चे, इनकी स्पीच बहुत कम होती है, तो जब आप इनके साथ कोई स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई स्केल, कोई गोल, कोई रन स्टार्ट करें, तो ट्राई करें कि जो बच्चे की फेवरेट चीज है वो उसके सामने टेबल पे साइड,
और बच्चा आपको अप्रोच करे उसके लिए खुद से, जब अप्रोच कर रहा है लेट सपोज फोन के लिए यूज कर रहा है, तो उसको जब भी फोन चाहिए वो जब सामने होता है बच्चा तब ही आपको पॉइंट आउट करता है ये चाहिए, जो चीज नहीं है उसके सामने बच्चे को तब याद भी नहीं होता। आप कहते हैं जब हम चीज छुपा देते हैं ना तब उसको याद नहीं आता, याद नहीं आते उसको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा होता कि मुझे ये चीज चाहिए। तो आप उसको किसी साइन के साथ रिलेट कर दे, जैसे लेट सपोज अगर उसको फोन चाहिए तो आप ये फोन का साइन सिखा देंगे, ये वाला बहुत मुश्किल है, आप ये वाला फोन का जो आपके लिए इजी है कि जो बच्चा है वो बहुत जल्दी ये साइन सीख सकता है, ठीक है। ताकि हमारा मकसद है कि बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करना सीखे, वो चीज जो उसके सामने नहीं है। हम घर में आते हैं, आपका लेट सपोज मदर है फादर है कोई भी पर्सन है घर में मौजूद नहीं है, तो उसमें ये तो नहीं है कि जब वो आपके सामने होंगे आप तभी उस चीज के बारे में पूछेंगे उनका, जब वो नहीं होते तो आप किसी से भी पूछते हैं ना, अच्छा बाबा कहाँ गए हैं या मामा कहाँ है या मैंने इधर बिस्किट रखा था वो बिस्किट कहाँ है। हम कहते हैं जी आए बच्चों को फोन बहुत पसंद है, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, बच्चे को कार बहुत पसंद है, तो जब हम छुपा देते हैं तो वो कुछ नहीं कहता, वो रोता भी नहीं है, वो ठीक रहता है, लेकिन जब उसको नजर आए तो वो सारा दिन बहुत रोता है, ये बहुत करता है। इसका मतलब है कि आपने जब वो चीज छुपा दी उसको मिली तो उसको वो रोया किस लिए कि अगर ये चीज छुप गई है तो ये मुझे दोबारा नहीं देगी, वो फिर उस चीज के लिए रोना शुरू कर देता है। आपने एक वो चीज छुपानी नहीं है, वो चीज उसके सामने रखें उसकी असेस में ना रखें लेकिन उसको नजर आते, स्टार्टिंग में चीज सामने रखें और उसको उस चीज से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि हम तो हर बच्चे को सिखाते हैं टच करके बता दो कौन सी चीज चाहिए, तो जी जो चीज सामने है बच्चा वो ही टच करता है और वो फिर लिमिटेड हो जाती है, हमारी जो कम्युनिकेशन लेवल है बच्चों के साथ वो लिमिटेड हो गया। चीज सामने बड़ी है ओके फाइन, मैंने हाथ पकड़ना है या खुद जाके फिंगर से पॉइंट आउट कर देना चीज मिल, अच्छा जी चीज गायब हो गया नो कम्युनिकेशन, हमारा जो मैंडिंग है हमारी जो कम्युनिकेशन है वो उधर ही स्टक स्टॉप हो गई, कैसे आगे मूव ऑन करें, समझ आई आप लोग। तो हम लोगों ने इसको कैसे करना है कि हमने उस चीज के बारे में बताना है जी, बच्चे को फोन बहुत पसंद है, बच्चे को कार्टून बहुत पसंद है फोन के अंदर, तो फोन का साइन दे दे फोन, या चले जी ये साइन दे दिया फोन का, अगर हम मैकाचन टेक्निक को यूज करें तो उसमें साइन फोन का ये, ठीक है। तो जी आपने क्या कहा फोन फोन, तीन दफा बस इनफ है फोन, ओके आपने लगा, उसके बाद फोन दूर है, जब भी वो आपका हाथ पकड़ के उस चीज को टच करवाए तो आपके फोन या कार्टून, लेट्स सपोज कार्टून ओके आपने प्ले कर, उसके बाद वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आप छुपा दें नीचे रख दें, आपके टेबल के आप नीचे रख दें, उसके बाद जब भी उस बच्चे को चाहिए होगी तो उसके माइंड में होगा, वो आपको आगे जरूर ये साइन देगा। इसका क्या मतलब है कि उसने कम्युनिकेट करना सीख लिया है, चीज सामने नहीं भी है तो मैंने मांगनी है, जब ये चीज बच्चे के अंदर आ गई उसने आपको एक साइन दिया आप कहेंगे ओके फोन चाहिए, आपको समझ आ गई, आपने फोन दे दिया, उसको पता चल गया अच्छा मैंने ये साइन दिया मुझे फोन मिल गया, अगर वो फुल वर्बल है। उसके बाद आपने उसको क्या करना स्पीच लाने के लिए, जैसे वो ये साइन देगा आपने फिर साथ अपनी वर्बल इंस्ट्रक्शन फोन, फिर ये साइन को हमने फेड आउट करना है और उसका वर्बल रिस्पॉन्स हमने लेके आना, तो क्या करेंगे फोन, उसने यूज साइन दिया फोन, तो अब वो वर्बली जब अपने होंठों को हल्का सा ऐसी भी आवाज निकाले कोई भी साउंड निकालेगा तो ये ले जाइए आपका फोन, इस तरह उसकी स्पीच आना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे वो वर्ड्स प्रोनाउंस करेगा उसको उस चीज का जर्नलाइजेशन हो गई, चीज सामने है या नहीं है हमने चीज मार। जी मोहम्मद कायम आपने हैंड रेज किया, मैं ठीक हूँ जी, सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, मुझे आपसे ये से रिलेटेड एक सवाल करना था। मेरा बेटा जो है वो 5 years का है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ठीक है। अच्छा उसको हम लोग ने अभी उसकी वो नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, नॉन वर्बल है वो, ठीक है। तो उसको हमने बहुत टाइम से ये सिखाया था, हमें थेरेपिस्ट ने, हम ऑनलाइन ले रहे हैं हम, यानी तो उसने हमें ये बताया था कि आप इसको गिफ्ट सिखाएं चीजों के लिए, जैसे इसको जो चीज चाहिए ना कम्युनिकेट करने के लिए
एक्शन के साथ, जैसे आप फोन का कह रही हैं ऐसे एक्शन कहा था, तो इशू क्या आ रहा है कि हम वो हर चीज के लिए ना एक जगह खड़े होके एक ही इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जरा सा आप अगर समझा देंगे तो बहुत एक ही इशारा करते हैं, इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग, ठीक है। जैसे लेट सपोज हम कह रहे हैं बच्चे को क्लैप हैंड, ठीक है, तो बच्चा हमने स्टार्टिंग उसको सिखाया टच हैंड, एग्जाम्पल दे रही क्लैप हैंड, बच्चा यही कर, हम कहते टैप टेबल, बच्चा यही कर, तो हमने बच्चे को कहा आपको पेन चाहिए, ठीक है, उसको पेन चाहिए, लेकिन पेन का हमने उसको साइन लेट सपोज सिखा दिया, पेन का ये सिखाया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही, ठीक है, तो अब उसको फोन चाहिए तब भी वो यही साइन दे रहा है, उसको पानी चाहिए तब भी वो यही साइन दे रहा है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, यानी खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, बाबा चाहिए, मम्मा चाहिए, या आईपैड चाहिए, वो बस गिफ्ट का, अच्छा गिफ्ट उसको हमने थोड़ा सा कम्युनिकेट की तरफ लाए तो वो ऐसा कर देगी, लेकिन सिर्फ आईपैड के लिए। आईपैड सबसे पहले बात ये, तो आप तो उसके स्क्रॉलिंग को स्टॉप कर, ठीक है, अगर आप कहीं से सेशंस ले रहे हैं तो इनके पास शीट्स होती हैं, जैसे हमसे जो ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, तो अब हमने एक यही वाला मेथड निकाला है, तो अब हमने प्रिंट किया, तो हम मदर्स के साथ इंशाल्लाह मंडे शेयर करेंगे, तो उसके साथ ये है कि जब अगर बच्चा स्क्रॉलिंग कर रहा है ना, तो आप उस कमांड को नोट डाउन करें कि हमने ये कहा बच्चे को ये चीज चाहिए थी, तो उसने स्क्रॉलिंग की, उसने गलत साइन किया, तो आप फिर उसको उस चीज पे पहले से प्रोएक्टिव हो जाएंगे, आपने क्या करना है, उसको पेन चाहिए तो आपने उसको पेन का साइन दिया, पेन, ठीक है। अब आप ये याद रखें कि जितनी मेंडिंग उसकी ज्यादा होगी ना उस चीज के बारे में, वो उतना ज्यादा सीखेगा, लेकिन अपनी मेंडिंग जो है वो अभी लिमिटेड करें, आपके हर साइन में डिफरेंस होना चाहिए। अब अगर उसने पानी पीना है तो आप पानी का ये साइन करें, ठीक है, पानी, क्योंकि पानी तो बच्चे बहुत पीते हैं, तो पानी उसमें आपने दो प्रॉम्प्ट यूज कर लिए, वर्बल आप बोल रही हैं पानी, ठीक है, और मॉडलिंग प्रॉम्प्ट पानी बच्चे ने नहीं किया, आपने बच्चे का ही हाथ पकड़ा और उसको कहा पानी, ये पहले आपने इस तरह हाथ पकड़ा, ठीक है, पानी, ठीक ठीक ओके पानी, आपने बच्चे को पानी, दो मिनट बाद बच्चा फिर आया, उसने आपका हाथ खींचा, या आपको पता है उसने यू साइन दिए, तो आपने साथ ही उसका हाथ पकड़ना और कहना पानी, ठीक हो गया, आपने पहले उसका हाथ यहां से पकड़ा है, आपने